Respected parents, teachers and my dear student, our new session has been started from 5 April. So in this time we have addition of many new student. So I would like to share some information. All student almost they know about our moral, our ethics, but new student may not be know the ethics or moral. So let us discuss some point. तो मैं हिंदी में बोलता हूँ क्योंकि हम लोग का कुछ स्टूडेंट बाहर का भी है, गार्जियन बाहर का भी है, तो किसी किसी को इंग्लिश नहीं समझ में आता है, किसी किसी को असमिस नहीं समझ में आता है, तो हिंदी विल बी द सुइटेबल लैंग्वेज. तो मेनली इस बार मतलब अभी एजुकेशन सिस्टम में एक मेजर चेंजेस आ रहा है एज़ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी. तो उसके बिहेव में मतलब CBSE एफिलिएटेड स्कूल में नेक्स्ट ईयर यानी 2025-26 सेशन में आपका AI एंड कोडिंग एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इम्प्लीमेंट होने वाला है, स्किल सब्जेक्ट. सो रिसेंटली वी हैड ए मीटिंग और कॉन्फ्रेंस विथ CBSE. सो बेस्ड ऑन दैट मीटिंग आई थॉट कि हम लोग एक साल पहले अगर ये इम्प्लीमेंट कर देते तो हम लोग भी एक्सपीरियंस हो जाएंगे, बच्चा का भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर इट विल बी इजी. तो इसीलिए एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हुआ है अभी AI एंड कोडिंग. सो हम लोग अभी स्लोली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. ये सब्जेक्ट हम लोग के लिए भी न्यू है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है, बट विद इन 15 डेज ऑलमोस्ट सोल्व हो जाएगा. हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं रिसोर्स पर्सन लाने के लिए, एक दो ऑलरेडी हो गया बिहू का बाद वो लोग ज्वाइन करेगा. सो ये था रिगार्डिंग AI एंड कोडिंग. और बीच में मैं एक बात बोल देता हूँ, जो हम लोग का ऐप है अभी जो भी बच्चा जैसे मान लीजिए क्लास मिस करता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वो ऐप में जो मिस करता है तो अपना कॉलिग से क्लास लेने में नोट्स लेने में बहुत दिक्कत होता है. हम लोग अभी विद इन 1 वीक ऐप को हम लोग एप्लीकेबल कर देंगे कि कोई भी स्टूडेंट अगर जो पढ़ाया आज जैसे कोई स्टूडेंट मिस किया तो ऐप लॉगिन करके वहाँ से ले सकते हैं. और हम लोग होमवर्क जो है दोनों रहेगा, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन. ऑफलाइन तो स्कूल डायरी फॉलो होगा व स्कूल कॉपी जो होगा उसमें होगा, और ऑनलाइन में भी होमवर्क दिया जाएगा. मतलब दोनों फैसिलिटी रहेगा. कोई कोई गार्जियन होता है ऑनलाइन सिस्टम में दे फेसिंग प्रॉब्लम, व स्टूडेंट को मोबाइल नहीं देना चाहता है, व नहीं देना सही है क्योंकि आपका मोबाइल एडिक्शन होने का चांसेस है. तो उसका रिगार्डिंग में हम लोग दोनों ऑप्शन रखेंगे, तो जो जिसका सही लगे उसी हिसाब से आगे जाए. तो ये ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा और शॉर्टली टीचर्स का डिटेल्स ग्रुप में दिया जाएगा. इस बार मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बेटर करने के लिए, स्पेशली एकेडमिक साइड. इस बार थोड़ा म्यूजिक का भी हम लोग थोड़ा ध्यान दे रहे हैं. कोई कोई स्टूडेंट म्यूजिक में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, क्षत्रिय डांस में भी हम लोग इस बार ध्यान देंगे क्योंकि अभी थोड़ा मोटा मोटी हम लोग का भी क्लास टाइम जब बढ़ गया तो हम लोग अभी ये सब क्लास इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. स्पोर्ट्स का भी अभी हम लोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा करने से भी दिक्कत होता है, बच्चे का चोट लगने का चांसेस होता है. तो हम गार्जियन का कोऑपरेशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए. तो और एक बात मैं आपको ध्यान से बोल देता हूँ, हम लोग के स्कूल का एक स्पेशलिटी है कि डिसिप्लिन व हम लोग एनवायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई कोई स्टूडेंट पहले दूसरा एनवायरनमेंट में था, यहाँ पे कोई दूसरा एनवायरनमेंट में आ जाता है, वह टीचर्स पहले दूसरा एनवायरनमेंट में वर्क किया, यहाँ पे दूसरा एनवायरनमेंट हो जाता है. हम लोग का थोड़ा सा नॉट ओनली एजुकेशन, हम लोग थोड़ा इथिक्स मॉरल हैबिट्स कैरेक्टर मीन्स रिच लाइफ स्टाइल का ऊपर हम लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं. रिच लाइफ स्टाइल क्या है और पोअर लाइफ स्टाइल क्या है, मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा समझाने के लिए. रिच लाइफ स्टाइल होता है कि आपका हैबिट्स कितना रिच है, जैसे सुबह जल्दी उठना, जल्दी सोना, रिच फूड लेना, कोई बैड हैबिट नहीं होना. तो ये माइंड में नेगेटिविटी नहीं आना, पॉजिटिव थॉट्स आना, तो इसमें इतना आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो क्या होता है कभी कभी अगर हम ऑब्जर्वेशन में कुछ मिले, जैसे मान लीजिए कुछ कुछ होता है पता चल जाता है कि इनका थोड़ा थॉट लेवल में थोड़ा नेगेटिविटी है व रॉन्गली इन्वॉल्वमेंट है. और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, कोई कोई स्टूडेंट पहले अपना फ्रेंड्स का साथ इन्वॉल्व हो जाता है, बाद में उन फ्रेंड का साथ ही उनका प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बाद में धीरे धीरे डिप्रेशन में भी चला जाता है. तो वो उसके लिए मैं शुरू से स्कूल जिस दिन से मैंने शुरू किया तब से बोल रहा हूँ कि हम लोग
रॉन्ग जगह में इन्वॉल्व नहीं होना है, एंड वी शुड नॉट इमोशन इन रॉन्ग प्लेसेस, हम लोग रॉन्ग जगह में इमोशंस भी नहीं होना है, ठीक है। एक दिन में बहुत सारा चॉइसेस होता है, आपका ऊपर होता है, आप क्या पे ध्यान देंगे, हैं। तो उसको बारे में मैं शुरू से ही बोल के आ रहा हूँ कि इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है। तो कभी कभी क्या होता है, किसी स्टूडेंट या टीचर्स के ऊपर हम लोग स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, तो तब भी इमोशंस हो जाता है कि सर ने ऐसा बोल दिया मुझे, हाँ। तो पीपल आर समटाइम बिकम इमोशन इन रॉन्ग प्लेसेस। एज ए डायरेक्टर मैं, मेरा ड्यूटी बनता है कि सबको सही डायरेक्शन देना, तो उस हिसाब से कभी कभी क्या होता है, पीपल्स रिपीट देयर मिस्टेक। तो एक दो बार तो शुरू शुरू में मैं बहुत प्यार से समझाता हूँ, बहुत मोटिवेशनली समझाता हूँ, बट अगर मिस्टेक रिपीट करता है, वह एक्सेप्ट नहीं करता है, ऐसा फील होता है, एटीट्यूड शो करता है कि मैं तो ही राइट हूँ, वह वो मैं क्यों बोला, वह उसमें घुस के नहीं देखता है, तो उस टाइम में थोड़ा शांति से देखिए, वी आर वर्किंग इन एजुकेशन फील्ड, तो हम लोग पोलाइटनेस वह थोड़ा डीपली सोचना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग फील्ड का अलग अलग साइकोलॉजी होता है, इस फील्ड में हम लोग स्टैंडर्ड होना बहुत ज़रूरी है, थॉट प्रोसेस स्टैंडर्ड होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा डीपली सोचना, पैशंस होना बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी रॉन्ग जजमेंट कर लेता है, रॉन्गली इमोशन हो जाता है, और उस टाइप का आदमी जाके फिर बदनाम भी करता है। तो मैं हमेशा दिल से एक बात बोल रहा हूँ, जजमेंट हमेशा अपना दिल से कीजिए, सोच के कीजिए, जजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। शॉर्ट टाइम में जो दिखता है वो नहीं भी हो सकता है। और एक बात मैं बोल रहा हूँ कि रेस्पेक्ट शॉर्ट टाइम के लिए पाना बहुत आसान है, लॉन्ग टाइम के लिए पाना बहुत डिफिकल्ट है, बट रेस्पेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए। सो लॉन्ग टाइम के लिए जब रेस्पेक्ट चाहिए होता है तो वो लॉन्ग प्लानिंग करता है। तो आई एम ऑलवेज डूइंग माई लॉन्ग प्लानिंग, शॉर्ट टाइम में मैं कोई प्लान नहीं करता हूँ, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों को रिकॉग्नाइज किया है बेस्ट मैथमेटिक्स प्रोमोटिंग स्कूल बाय CBSE, हाँ। लास्ट जितना भी आर्यभट्ट का जितना भी टेस्ट था, वो भी बच्चा लोग, हम लोग मोटिवेट किया था कि आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, तो मेजोरिटी स्टूडेंट हम लोग स्कूल से पार्टिसिपेट किया है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा किया है। बीच में एक बार सफल का भी एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी बहुत अच्छा बच्चा का परफॉर्मेंस रहा है। तो स्टूडेंट CBSE भी एनालिसिस करता रहता है, तो हम लोग बेस्ट मैथमेटिक्स प्रोमोटिंग स्कूल का रिकॉग्निशन दिया है, तो ये हम लोग के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। तो हम लोग फ्रॉम बिगिनिंग ओनली वी आर ट्राइंग टू डू बेटर इन मैथमेटिक्स साइंस ओके। तो एंड अदर सब्जेक्ट ऑल्सो नाउ ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट का थोड़ा ठीक हो गया। तो कभी कभी कुछ डिसीशन हम लोग लेना पड़ता है किसी टीचर्स के ऊपर, तो वो टीचर फिर खराब पा जाता है, तो वो फिर रॉन्गली रिप्रेजेंट करता है, तो उसको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। गार्जियन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, जस्ट ये ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, हल्का फुल्का है। सो उसमें जजमेंट हमेशा पॉजिटिवली करना है, आपको देखना है कि जैसे मैं खुद दिल से आई एम डूइंग माई वर्क। मैं ये जो वैकेशन था इसमें भी कहीं भी घूमने के लिए भी नहीं गया, ऑलमोस्ट ऑल टाइम आई एम गिविंग इन द स्कूल। सो आई नीड पॉजिटिविटी, आई नीड पॉजिटिव सपोर्ट। और एक बात होता है जो कोई कोई स्टूडेंट थोड़ा आपत्ति करता है कि थोड़ा सा वो लोग फ्रीडम चाहिए होता है, तो फ्रीडम तो घर में है ही ऑलमोस्ट, यहाँ पे अगर थोड़ा रूटीन में नहीं होगा तो नहीं होगा, तो हम लोग स्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा। तो कोई कोई स्टूडेंट पसंद नहीं करते इसको, तो गार्जियन उसमें लॉजिक देना है, गार्जियन उसको समझाना है क्यों ऐसा है, सर लोग ऐसा क्यों कर रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। क्योंकि मैं हमेशा बचपन से अच्छा जगह में पढ़ाई किया, तो वहाँ पे देखा है डिफरेंसेस देखा है। जैसे मैंने जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था, बहुत ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन था, तो इसीलिए वहाँ पे क्या था, एक डर था। क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी में एक डर होता है कि अगर हम कोई भी गलती करेंगे वह हम लोग इंडिसिप्लिन में रहेंगे, टीचर्स मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी में मार्क्स वगैरह टीचर देता है, एग्जाम इज कंडक्टेड बाय सेम इंस्टीट्यूट ओनली, वो टीचर ही क्वेश्चन सेट करता है, वही टीचर ही आपको मार्क्स देता है, तो हम लोग वो डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, डर होता है। तो मेन एक स्कूल का भी है, कोई भी इंस्टीट्यूशन का मैं फील करता हूँ सबसे मेन है डिसिप्लिन, लॉ एंड ऑर्डर। एंड अगर एक बच्चा डिसिप्लिन है, लॉ एंड ऑर्डर है, पेशेंस डेवलप्ड हुआ है, हैबिट सही है, वो ऐसे ही पढ़ेगा, उसका पढ़ाई सही होगा ही, रिलेशन है, कोरिलेशन है। अगर बच्चा अगर कितना भी टैलेंटेड है, अगर एक जगह बैठ नहीं सकता है, पेशेंस नहीं है, अगर उसको अगर टाइम नहीं दे पाता है पढ़ाई में, टाइम देने का टेंडेंसी नहीं है, तो कितना भी टैलेंट है वो मिसयूज हो जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत ज़्यादा क्लोजली बहुत केसेस को मैंने स्टडी किया है, जिसका वजह से मुझे लीडरशिप अवार्ड भी मिला है, इंस्पिरेशनल लीडरशिप अवार्ड। तो थोड़ा सा मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए पॉजिटिव, गार्जियन आर सपोर्टिंग मी, बट 1-2 केसेस कम समटाइम, एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट वेन यू गेट मोर सक्सेस चैलेंजेस ऑल्सो विल बी मोर। सो दैट्स वाई आई एम ऑलवेज पॉजिटिव,
मैं कभी भी लो फील नहीं करता हूँ, कभी कभी हल्का फुल्का करने से भी ना तुरंत मैं खुद को समझा लेता हूँ कि अगर हम ग्रो कर रहे हैं, अगर हम सही है तो थोड़ा सा तो चैलेंजेस आएगा ही, उसको हमको फाइट करना है और आगे बढ़ना है। तो अभी लास्ट 1 मंथ में मैंने काफ़ी रेक्टिफाई किया और मैंने और एनालिसिस किया, सर्वे किया, और हम लोग एक फीडबैक सिस्टम भी कर रहे हैं। हम सबसे फीडबैक लेंगे, सजेशन लेंगे, फीडबैक फ्रॉम गार्जियन के पास जाएगा। आप लोग प्यार से उसको लिखना है, जेन्युइनली लिखना है, जो सही है वो भी लिखना है, जहाँ पे थोड़ा लगा कि इम्प्रूव करना चाहिए आप लोग उसमें भी लिखेंगे। तो हम लोग इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट देने का कोशिश करेंगे। इस बार टीचर्स टीम को भी मैंने काफ़ी बॉन्डिंग में लाने का कोशिश कर रहा है कि सब कोई अच्छे से काम करे, और इस बार दिल खुल के रिक्रूटमेंट किया है, क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स थोड़ा कोविड का बस फाइनेंशियल इशू था, अभी फाइनेंशियल इशू हैज़ बिन सॉल्व, तो अभी मेन पावर में खर्चा करने जा रहा हूँ। सो दिल खुल के इस बार रिक्रूटमेंट किया है। सो होप्स इज दिस टाइम आवर एकेडमिक विल बी मोर इम्प्रूव। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने 6th क्लास से एंट्रेंस का क्लास शुरू कर दिया, क्योंकि बोर्ड का मोटा मोटी हम लोग का इस बार परसेंटेज आ जाएगा। लास्ट ईयर भी मैट्रिक का अच्छा रिजल्ट था, इस बार भी अगर ऊपर वाला कुछ गड़बड़ ना किया, जिस जैसा स्टूडेंट बोला है हमको एग्जाम का बारे में, एग्जाम कैसा गया है, थोड़ा इंग्लिश पेपर लेंदी था उसका छोड़ के बाकी बहुत ही अच्छा गया है, तो इस बार ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट को डिस्टिंक्शन मिल सकता है। ठीक है, क्लास 10 का, 12th का भी काफ़ी अच्छा गया है, तो इस बार मोटा मोटी 95, 12th का 95 के ऊपर काफ़ी को आने का चांसेस है, एंड 10th का भी बहुत सारा का आने का चांसेस है। तो बोर्ड का हम लोग ऑलमोस्ट सक्सेस है, अभी हम लोग बोर्ड को मेंटेन करके हम लोग अभी एंट्रेंस का भी थोड़ा सा एक्सेलेरेट करेंगे, तो दोनों लेके जाना बहुत टफ है, तभी मैं कोशिश करूँगा। तो 1-2 महीना लग जाएगा स्टेबल होने में, काफ़ी से न्यू हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, सो थोड़ा पेशेंसली डील करना पड़ेगा। एंड बच्चे को मैं गार्जियन को एक्सेस में बोल रहा हूँ, अगर बच्चे को कोई भी हमें स्ट्रिक्टनेस कर दे तो उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक बार वो कंट्रोल के बाहर चला जाता है ना, तो वो फिर लाना बहुत डिफिकल्ट है। मैं जो भी डिसीजन, मैं कोई भी बच्चा को, कोई भी स्टूडेंट को अपना बच्चा समझ के ट्रीट करता हूँ, ये मेरा दिल से होता है। तो थोड़ा कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सोवाटेक अगर होता है गार्जियन से तो आई फील हर्ट, तो उस टाइम में आप लोग आके डिस्कस कीजिए। एंड इस बार हम सीरीज ऑफ मीटिंग भी कंडक्ट करने वाले हैं इंडिविजुअल क्लास का, तो मीटिंग में प्लीज़ ट्राई टू कम। थोड़ा सा कभी कभी मैं जब स्कूल शुरू किया था तो फर्स्ट 2 ईयर्स गार्जियन काउंसलिंग हम लोग दिया था, तो उससे हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था। गार्जियन काउंसलिंग ऑल्सो नीडेड, क्योंकि गार्जियन लोग आजकल जॉब होल्डर होता है, बिजी होता है, तो थोड़ा सा कभी कभी भूल जाता है अपना ड्यूटीज़ को, तो उसमें भी मैंने इस बार थोड़ा सा एक्सेलेट करूँगा, तो साथ देना है। मोस्ट प्रोबली मीटिंग विल बी कंडक्टेड ऑन संडे, क्योंकि मेरा भी इस बार ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, मैं इस बार सबसे ज़्यादा क्लासेस लिया है, और क्लासेस को भी मेरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी मैंने फीडबैक लिया है और बहुत क्लोजली, और मैं खुद को भी और इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ। पहले अगर थोड़ा बहुत टाइम अगर इधर उधर होता भी था, इस बार वो भी नहीं होगा, फुल टाइम आई विल डेवोट इन माई ड्यूटीज़। तो सपोर्ट चाहिए, एंड और भी 1-2 वीडियो अभी शॉर्टली हमें बनाने वाला हूँ, कि एक वीडियो में बहुत सारा पॉइंट कवर नहीं होता है। तो आज इतना में रखता हूँ, जय अहम, जय हिंद।